My name is Anisha Sial and I'm an intensivist working in King's Mills Hospital, Nottingham. आज मैं आपको कुछ रेड फ्लैग्स के बारे में बताने वाली हूँ इन मेडिकल प्रोफेशन. तो आप सोचेंगे व्हाट आर रेड फ्लैग्स, व्हाट आर रेड फ्लैग साइंस एंड सिम्टम्स. तो ये वो सिम्टम्स और साइंस हैं जो एक अंडरलाइंग डिजीज़ के इंडिकेटर्स हैं. अगर ये सिम्टम्स आप में हैं तो आपको सोचना चाहिए कि मुझे एक डॉक्टर से मिलना है या मुझे हॉस्पिटल जाने की इमीडिएटली ज़रूरत है. दीज आर डेंजरस साइंस एंड सिम्टम्स टू हैव. ये लिस्ट बहुत लंबा है बट मैं आज थोड़े से सिम्टम्स आपको कुछ कुछ सिम्टम्स बताने वाली हूँ जो बहुत कॉमन हैं. जैसे एज बढ़ती है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक्स, कैंसर्स, इसका रिस्क बढ़ जाता है. सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जिनको हमें अपने माइंड में रखना है कि क्या हमको ये सिम्टम्स है. सो सम वेरी कॉमन सिम्टम्स आर, सोचिए आपको सडनली चेस्ट पेन होने लगता है एंड ये ऐसा चेस्ट पेन है जो कम नहीं हो रहा है एंड बढ़ते जा रहा है एंड या वो चेस्ट पेन काम करने पर आता है बट आप जब रेस्ट लेते हैं तो वो कम हो जाता है. तो आपको ये सोचना है कि ये कार्डियक चेस्ट पेन है, क्योंकि अगर रेस्ट पे नहीं है बट थोड़ा सा एग्जर्शन करने पे आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, दैट मीन्स योर हार्ट इज़ नॉट कोपिंग. सो दैट इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स वेर यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर. अगर आपको सडनली वन पार्ट ऑफ योर बॉडी, जैसे हो सकता है आपका सिर्फ हाथ हो या हाथ और पैर हो, कभी कभी आपको लिम वीकनेस नहीं होता बट सिर्फ आपके फेशियल मसल में एसिमेट्री हो जाता है, जैसे आपका मुंह टेढ़ा हो जाए या आपको लगता है कि आप एक पार्ट ऑफ योर फेस यू आर नॉट एबल टू फील या एक पार्ट ऑफ द बॉडी यू आर नॉट एबल टू फील, दिस कुड बी अ सिम्टम ऑफ स्ट्रोक. कभी कभी अगर आपका स्पीच नॉर्मल है बट सडनली आप हकलाने लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप वर्ड्स नहीं बोल पा रहे हो या आपको सडनली वर्ड्स नहीं आ रहे हैं मुंह में जो आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी स्ट्रोक का एक सिम्टम हो सकता है. अगर आपको कभी भी ये सिम्टम्स महसूस हुए तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए. सिमिलरली बहुत लोग नहीं जानते, अगर आपका यूरिनरी सेंसेशन या मोशन का सेंसेशन सडनली लूज हो जाए, आपको नहीं पता चल रहा है कि आपको कब यूरिन आ रहा है, कब मोशन आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है आपको हॉस्पिटल रिपोर्ट करने के लिए, दैट यू शुड इमीडिएटली गो टू द डॉक्टर टू योर शो योर सेल्फ. सो ब्रेथलेसनेस, सडन वीकनेस इन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी और फेस और लॉस ऑफ स्पीच should trigger an immediate response that I need medical help. Okay? कभी कभी symptoms जो है बहुत slow progressive होते हैं, immediate नहीं होते, तो हम उसको नज़रअंदाज कर जाते हैं. जैसे अगर आपको बुखार आ रहा है और जा रहा है but बहुत लंबे time से यही waxing waning fever आपका चल रहा है, तो आपको इसको seriously लेने की ज़रूरत है क्योंकि इसके बहुत सारे dangerous कारण हो सकते हैं. एंड इसके साथ अगर आपको वेट लॉस हो रहा है, आपका एपेटाइट घट रहा है, तो आपको सोचना है कि दिस कुड बी अ सिम्टम ऑफ कैंसर, इट कुड बी अ सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिपोर्ट टू द हॉस्पिटल एंड गेट योर सेल्फ चेक्ड. और एक चीज़ है जो हम लोग सब बहुत एक्सपीरियंस करते हैं इज बैक पेन, एनी बोनी पेन. एंड अगर वो बोनी पेन हल्का फुल्का दर्द हम सबको होता है, उसके लिए डरने की बात नहीं है, बट अगर आपका ये जो बोन पेन है कॉन्स्टेंट है एंड इस वजह से आप सो नहीं पा रहे, आप अपना काम नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स दिस इज अगेन अ रेड फ्लैग विच कुड बी अ रिजल्ट ऑफ एन अंडरलाइंग सीरियस कंडीशन. ठीक है, तो अगर आपको ये कॉन्स्टेंट बोन पेन्स है, फीवर्स है, वेट लॉस है, प्लीज़ कंसल्ट द नियरेस्ट डॉक्टर एंड सीक मेडिकल हेल्प. थैंक यू.